कल हमने एक आधा सिलेंडर लिया था, सेमी सिलेंडर, उसकी बात करी थी। उसकी वजह से सिलेंडर के एक्सेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ओ सॉरी मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, याद है? यस और नो? यस और नो? ठीक है, अब एक काम करते हैं बेटा, मैंने क्या करा, एक और अरेंजमेंट ले लेते हैं। बेटा हमारे पास स्पाइरल फॉर्मेट में करंट कैरिंग लूप्स हैं, स्पाइरल फॉर्मेट में, ठीक है? इतनी बात। अब इस स्पाइरल फॉर्मेट में हमारे पास करंट कैरिंग लूप्स हैं, कपिल जी ये क्या हो रहा है, ये बच्चे आ रहे हैं बीच बीच में। चलो, स्पाइरल फॉर्मेट में करंट कैरिंग लूप्स हैं, रेडियस वेरीज फ्रॉम ए टू बी एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ लूप इज एन टर्न्स। कितने टर्न्स हैं? एन टर्न्स हैं। क्लियर है भाई? मुझे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर बताना है, कोई इशू है इसमें? नंबर ऑफ टर्न्स टोटल स्पाइरल के कितने एन हैं, मुझे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर बताना है। सिंपल सा है। अब जरा देखो क्या करना है हमें। हमने क्या करा, अब मैं दोबारा बना देता हूं डायग्राम। यहां से लूप स्टार्ट होते हैं ए से और यहां बी तक जाते हैं, बी रेडियस तक। मुझे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आर व्हाट? एन। ठीक, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 1 2 3 4, ऐसे कितने गोले हैं? एन हैं, ए से बी के बीच में। अब बी माइनस ए लेंथ के लिए एन टर्न्स हैं, तो 1 यूनिट लेंथ के लिए कितना? एन अपॉन बी माइनस ए। मानते हो या नहीं मानते हो, जल्दी बताओ भाई, एन अपॉन बी माइनस ए आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, अब आप एक काम करो, इससे एक्स दूरी पे एक डीएक्स थिकनेस का लूप ले लो आप, ठीक है? अब इसमें कितने टर्न्स आएंगे, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस इज डीएन, विच इज एन अपॉन बी माइनस ए इनटू डीएक्स। मानते हो या नहीं मानते हो, दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स इन डीएक्स थिकनेस। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड इस लूप की वजह से सेंटर पे अंदर की तरफ आ रही है, कितनी? डीबी अंदर की तरफ। नंबर ऑफ टर्न्स इनटू म्यू नॉट आई अपॉन 2x, ये होगा रिजल्ट कि नहीं होगा, जल्दी बताओ, कि सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब डीएन की वैल्यू डाल दें बेटा, हम डीएन की वैल्यू डाल देते हैं, तो डी बी इज इक्वल टू हाउ मच? एन अपॉन बी माइनस ए म्यू नॉट आई अपॉन 2 डीएक्स अपॉन एक्स। इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी कर दें, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो बी कम्स आउट टू बी म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 बी माइनस ए लॉग बी अपॉन ए। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अगर आ जाएगा तो यस लिख दो भाई सब लोग फटाफट, जल्दी से।
क्लियर सबको, सिंपल सा है। अगला देख लेते हैं बेटा। अब एक चीज और देखते हैं, थोड़ा सा हटके है, देखते हैं। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल रहा हूं, बाकी मैग्नेटिक फील्ड में दूसरे तरीके से निकालूंगा बाकी सिस्टम्स की। कौन से तरीके से? एम्पियर सर्किट लॉ से। मैं एक कंसेप्ट सा बता रहा हूं आपको, ध्यान सुनना, ठीक है? क्या कंसेप्ट है? सर्कुलर कंडक्टर विद यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ऐसा कुछ है। वो क्या रहा बेटा? सपोज इसमें रेडियली आई करंट एंटर करता है, ठीक है? और यहां से रेडियली आई करंट बाहर निकलता है, दिस एंगल इज थीटा सपोज मान लेते हैं। तो इस वाले आर्म में करंट गया आई वन और इधर गया आई टू। मुझे गिवन सिर्फ आई है बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक है? इतनी बात। और थीटा एंगल गिवन है, आर्क जो इस वाले आर्क ने सबटेंड करा। मुझे क्या बताना है? बी एट सेंटर ऑफ लूप, दिस सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, फालतू काम नहीं करेंगे, मैं बता देता हूं। आप एक काम करो, ये एक आर्क है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा। तो बी वन इज डॉट एंड इट इज म्यू नॉट आई वन थीटा अपॉन 4 पाई रेडियस मान लेते हैं ए है या आर है, जो भी मानना चाहो, हाँ या ना? ठीक है भाई, तो रेडियस मान लेते हैं आर है, चलो कैपिटल आर, ये आ गया। अब दूसरे वाले की वजह से देखो, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा बेटा। तो जरा देखो, क्रॉस बी टू इज म्यू नॉट आई टू 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 4 पाई आर। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है भाई? नहीं, ठीक है। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड भी वेट, मतलब सम ऑफ दीज टू, ठीक है? एक काम करते हैं, हमें आई वन आई टू नहीं पता है, लेकिन एक चीज पता है, आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, पता है? पता है या नहीं, जल्दी बताओ। दूसरा, ये वाला वायर और ये वाला वायर पैरेलल में है, पैरेलल में है या नहीं? अगर पैरेलल में है तो पोटेंशियल ड्रॉप दोनों के अक्रॉस सेम होना चाहिए। इसका मतलब आई वन रेजिस्टेंस ऑफ वन इज इक्वल टू आई टू इंटू रेजिस्टेंस ऑफ टू। कोई दिक्कत है भाई? ठीक है गगनदीप, फिर तुझे मैग्नेटिक फील्ड आर्क की वजह से निकालने का फॉर्मूला याद नहीं है? अगर तू ये बोल रहा है बी टू बता दो, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क की वजह से फॉर्मूला याद ही नहीं है, मैं क्या बता दूं उसमें? तू ये बता, मैग्नेटिक फील्ड किसी भी करंट कैरिंग आर्क की वजह से फॉर्मूला था म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर रेडियस ऑफ आर आर्क, यस ऑर नो? तो भाई वही बता रहा हूं मैं। अब जरा देखो, हम रेजिस्टेंसेस की वैल्यू डाल देते हैं। आई वन इज इक्वल आई वन इंटू रेजिस्टिविटी रो, लेंथ ऑफ दिस इज आर थीटा अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू आई टू रो, लेंथ ऑफ दिस आर इंटू 2 पाई माइनस थीटा अपॉन ए। जरा देखो, ए रो आर ये कट गया, तो क्या आ गया हमारे पास? आई वन थीटा इज इक्वल टू आई टू इंटू 2 पाई माइनस थीटा। दोनों चीजें बराबर आ गई कि नहीं आ गई, जल्दी बताओ। अगर ये दोनों चीजें बराबर आ गई बेटा, तो आप यहां देखो, इन दोनों को अगर ध्यान से देखो, तो ये टर्म और ये टर्म बराबर हैं, और ये टर्म बराबर हैं।
ठीक है, इतनी बात तो ऑब्वियस सी बात है, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज जीरो, कि जितना ऊपर उतना ही नीचे, हाँ या ना। अब किसी के दिमाग में आ रहा हो ये जो आई आ रहा था इसकी वजह से, तो भाई एक काम करो, ये जो आई आ रहा था ध्यान सुनो, इसके ऊपर कोई भी डीएल पकड़ो आप छोटा सा एलिमेंट, और आपको निकालना कहाँ है यहाँ, तो जो आप आर बनाओगे आर कैप, वो इसी लाइन पे है या नहीं है, इसी लाइन पे है या नहीं, जल्दी बताओ मुझे, है इसी लाइन पे, तो डीएल क्रॉस आर कैप क्या आ जाएगा, जीरो। तो एक बात का और ध्यान रखना, अगर कोई स्ट्रेट वायर है, आई करंट है, तो उस वायर के अलोंग वो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है। आप करके देख लो, कोई भी डीएल एलिमेंट पकड़ो और ये आपका क्या हो जाएगा, आर कैप हो जाएगा। जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे अपने आप क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, मतलब वायर के अलोंग कभी भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता कोई भी स्ट्रेट वायर, तो ये वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करने वाला, ये भी प्रोड्यूस नहीं करने वाला, और इन दोनों ने जो प्रोड्यूस करा था एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसल आउट, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड द सेंटर ऑफ लूप बिकम्स व्हाट, जीरो, यस और नो। ठीक है, अब मैं इसी बात को जनरलाइज कर रहा हूँ, हालांकि इसका प्रूफ ट्वेल्थ क्लास में हम नहीं दे पाते हैं, ठीक है, दे सकते हैं थोड़ा सा मैथ्स अगर अच्छे लेवल पे ले जाएं, मैं आपको बता देता हूँ क्या कहानी है। अगर हमारे पास एनी कंडक्टिंग लूप ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, कोई भी कंडक्टिंग लूप है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, अब जरा ध्यान से देखना, मैंने तो यहां सर्कुलर लिया था, अब मैं कोई भी ले रहा हूं टेढ़ा मेढ़ा, दिस इज ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द लूप, दिस इज ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द लूप। अब अगर इस लूप में कहीं से करंट एंटर करता है अलोंग द ज्योमेट्रिकल सेंटर वाली लाइन पे, और कहीं से भी निकलता है करंट अलोंग द ज्योमेट्रिकल सेंटर वाली लाइन से, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ज्योमेट्रिकल सेंटर इज ऑलवेज जीरो, ये ध्यान रखना, नेट मैग्नेटिक फील्ड ज्योमेट्रिकल सेंटर पे हमेशा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्लियर है सबको, अगर क्लियर है तो यस लिख दो। ठीक है, मैंने इसका प्रूफ नहीं दिया, प्रूफ मैंने आपको सर्कुलर वाले से बता दिया, इसका भी दे सकते हैं बेटा, मैं छोटे छोटे एलिमेंट लूंगा, फिर जब वेक्टर सम करूंगा इसका और इसका, तो अपने आप वो जीरो आ जाएगा, लेकिन मैं करना नहीं चाहता इतना। ठीक है, इतनी बात, क्योंकि इधर करंट जाएगा आई वन और इधर जाएगा कितना आई टू। ठीक है, इतनी बात, तब अगर आप इसका प्रोजेक्शन ले लो तो अंदर एक सर्कल ही बनता है, ठीक है, वो कुछ लेंस का प्रोजेक्शन सर्कल के ऊपर ही आएगा। अब इतनी बात हो गई, अब एक क्वेश्चन कर लें इस पे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है जेई मेंस में एज वेल एज बोर्ड में भी। ठीक है, अब एक चीज और देखो, हमारे पास एक यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लूप है, ये हमारा सेंट्रियोइड है, करंट ऐसे एंटर करता है, ठीक है, आई और ऐसे निकल जाता है, तो व्हाट वुड बी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्रियोइड, कितना होगा बेटा जल्दी बताओ, जीरो होगा भाई, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, तो बी इज जीरो एट सेंट्रियोइड, कोई दिक्कत है किसी को, कोई इशू नहीं है। अब जरा देखो, एक सवाल और लेते हैं जो जेई मेंस में आ चुका है, अब जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है, सब लोग नहीं बताएंगे, ठीक, चलो जिनसे पूछा जाएगा सिर्फ वही लोग बताएंगे, ध्यान रखना। हमारे पास क्या है, एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का स्क्वायर लूप है, श्यामलाल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर बता दे,
जीरो होगी या नॉन जीरो होगी? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी जीरो और नॉन जीरो? श्यामलाल बता दे भाई, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा या नॉन जीरो होगा? अब श्यामलाल ने जीरो कहा है, कितने लोग इसकी बात को मानते हैं भाई, श्यामलाल की बात को? श्यामलाल तेरी बात को कोई नहीं मान रहा है, तू निकम्मा है, गधा है, और कोई गाली सुनना चाहता है तो सुन ले, ठीक है? अब सुनो भाई, अब देखो एक मिनट, आप सीधी सी बात, अगर यहां आई वन गया और इसमें आई टू गया, तो आई वन और आई टू की वजह से तो जीरो है, ये तो तय है, लेकिन इसकी वजह से देखो, ये इन्फिनिटी से आ रहा है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो बाहर की तरफ आएगा, और ये इन्फिनिटी जा रहा है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो भी बाहर की तरफ आएगा, तो इसका मतलब इस जगह पे बी नॉट इक्वल टू जीरो एंड आउटवर्ड ड्यू टू ये वाला वायर एंड ये वाला वायर। क्लियर है भाई? क्लियर है? आप चाहो तो मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर मुझे स्क्वायर की लेंथ दे दी जाए। माधो सिर्फ हर्षित इतनी सी वायर के बारे में बात कर, ये जो पीछे से आ रही है, इस वायर के अलोंग करंट के अलोंग मैंने अंगूठा रखा, तो मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पर कहीं पर भी कैसा आएगा, बाहर आएगा कि नहीं आएगा हर्षित? और इसकी वजह से ही बाहर आएगा भाई, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। हाँ, इनकी वजह से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगला डायग्राम देखो, अगेन स्क्वायर लूप, अब भाई बी एट द सेंटर, श्यामलाल बता दे भाई दोबारा से, सेंटर पे बी कितना होगा, जीरो होगा नॉन जीरो होगा? श्यामलाल ने इस बार जीरो कहा है भाई, कितने लोग इसको एग्री कर रहे हैं? गगनदीप एग्री कर रहा है, मोहित एग्री कर रहा है, चलो सारे लोग एग्री कर रहे हैं, ठीक है, ये तो जीरो हो गया। कैसे हो गया भाई? अगर हम इधर आई वन कहें और इधर I2 कहें, I1 I2 की वजह से तो जीरो है ही, और इस I की वजह से देखो बाहर, और इस I की वजह से अंदर, और सिमेट्री है, इनफाइनाइट इनफाइनाइट उतनी बराबर दूरी पे, तो यहां पर B क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है भाई, एक और देख लेते हैं, डायगनली करंट आ रहा है इन्फिनिटी से, और इधर डायगनली करंट निकल गया इन्फिनिटी की तरफ, मतलब ना पढ़ रहा है ढंग से, सारी चीजें उल्टी सीधी बता रहा है, बी यहां पर जीरो आएगा। सब लोगों को क्लियर है? अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस लिख दो एक बार, ठीक है। अब चलो, अब देखो भाई, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। अब हमारे पास क्या है, एक दिस इज नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल यूनिफॉर्मली चार्ज्ड विथ सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, रेडियस इज आर। अब ये क्या कर रहा है, ये एक डायमेट्रिक एक्सिस है शेल की, इस एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है, इतनी बात, कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, स्पिन कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट। मुझे क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल, ठीक है।
अब मेरी बात सुनो, अब आप एक काम करो, आपने क्या करा, थीटा एंगल पे एक ये डी थीटा का क्या ले लिया, रिंग ले लिया बेटा। ये रिंग गोल चक्कर काट रहा है, गोल चक्कर अगर काट रहा है तो इट डज प्रोड्यूस करंट, सर्कुलेटिंग करंट, तो ये रिंग जैसा हो जाएगा। अब रिंग हो जाएगा तो रिंग के एक्सिस पे ही हमें क्या बतानी है, मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, ठीक है। अब जरा देखो एक मिनट, सबसे पहले हम इस रिंग का रेडियस देखें, इस रिंग का रेडियस कितना हो गया, दिस इज रेडियस ऑफ रिंग स्मॉल आर इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और इस रिंग के सेंटर से जितनी दूरी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है दैट इज एक्स, एक्स इज आर कॉस थीटा, मानते हो या नहीं मानते हो, हाँ या ना। और करंट अगर ऐसा है इसमें डी आई, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इस तरीके से डी बी प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ मुझे, हाँ या ना, सबको क्लियर है भाई, अब कोई इशू नहीं है। अब हम सबसे पहले डी आई जानने के लिए क्यू निकालें, डी क्यू, तो डी क्यू इज इक्वल टू हाउ मच, सिग्मा इनटू एरिया ऑफ दिस रिंग, एरिया ऑफ दिस रिंग विल बी पेरीमीटर इनटू इट्स थिकनेस, तो पेरीमीटर कितना, 2πr साइन थीटा, रेडियस इज व्हाट, r साइन थीटा, एंड थिकनेस इज व्हाट, r d थीटा, तो दिस इज dq। अब जो di होगा, करंट इज चार्ज अपॉन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा, तो कितना हो गया dq अपॉन 2 पाई बाय ओमेगा, ये आ गया। तो di हमारे पास कितना आया, di कम्स आउट टू बी 2 पाई से 2 पाई कट गया, सिग्मा ओमेगा r स्क्वायर साइन थीटा d थीटा, जरा चेक करना, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, सिग्मा ओमेगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, यस सुनो, ये हमारा डी आई आ गया। अब कुछ बचा ही नहीं बेटा, अब आपने क्या करना है, डी बी, डी बी मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग रिंग इज म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, यस सुनो, तो रख देते हैं भाई, म्यू नॉट डी आई आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये सुनो, डाल देते हैं बेटा वैल्यू, तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, अच्छा यहाँ 2 भी है बेटा, ठीक है 2। अब इन दोनों की वैल्यू डालेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे आर क्यूब आ जाएगा, अरे यार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, नीचे आर क्यूब आ गया बेटा, जरा देखो ये कट गया और ये कट गया, तो अब हमारे पास डी बी आ गया म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा आर अपॉन 2 साइन क्यूब थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, थीटा की वैल्यू 0 से लेकर के पाई तक, यहां से जब आप स्टार्ट करेंगे तो 0 से पाई तक आपको करना पड़ेगा। अब 0 से पाई आप इंटीग्रेट कर लो भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जब आप 0 से पाई इंटीग्रेट करोगे तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा बी इज इक्वल टू 2/3 म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा आर, ये रिजल्ट आएगा, इंटीग्रेट तो कर लोगे भाई साइन क्यूब थीटा को, मैथ्स वालों कैसे करेंगे साइन क्यूब थीटा को इंटीग्रेट, साइन क्यूब थीटा को क्या लिख सकते हैं, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाय 4 होल, हाँ या ना, हाँ ठीक है, साइन 3x का फॉर्मूला लग जाएगा, आ जाएगा, ठीक है, चलो ये हो गया हमारे पास। तो ये अपने पास क्या हो गया, क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड हमने डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स की निकाली यूजिंग बायोट सेवर्ट्स लॉ। अब हम बायोट सेवर्ट्स लॉ यूज नहीं करेंगे, अब हम नया मेथड यूज करना चाहेंगे, दैट इज एम्पियर सर्क्यूटर लॉ, ठीक है, इतनी बात।
अब ध्यान दो बेटा, अब आते हैं मेन काम पे, दैट इज एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। ठीक है, अगेन ये भी एक मेथड है जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट। ठीक है, तो आप लोग लिखो, जरा लिखो, सबके पास पेन कॉपी हो गई, लिखो। इट इज मेथड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। इट इज मेथड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, अब एक चीज और, करंट कैरिंग कंडक्टर कैसा हो, जैसे गॉस लॉ में भी मैंने कहा था आपसे कि सिस्टम ऑफ चार्ज कैसा भी हो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं, कहा था कि नहीं कहा था? ठीक है, एक बच्चा कह रहा मूविंग चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, बेटा करंट कैरिंग कंडक्टर खुद मूविंग चार्ज होता है उसके अंदर, तो यानी कि वो अपने आप आएगा। ठीक, अब सुनो भाई, तो मैंने बताया था कि गॉस लॉ में हम किसी भी टाइप के चार्ज सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, चाहे वो चार्ज सिस्टम सिमेट्रिक हो, अनसिमेट्रिक हो, कैसा भी हो। सेम वे यहां पर भी एक बात कह रहा हूं मैं कि करंट एलिमेंट हमारा किसी भी शेप का हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, स्ट्रेट हो, इनफाइनाइट हो, फाइनाइट हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग लिखो जरा, कपिल जी बंद हो गए, अच्छा चल गया, लिखो लिखो ओवर हेयर, लिखो भाई बच्चों, लिखो फटाफट। हाँ, लिखो ओवर हेयर करंट एलिमेंट कैन हैव एनी शेप और कॉन्फ़िगरेशन, करंट एलिमेंट कैन हैव एनी शेप और कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन एक चीज देखो, मैंने ज्यादातर जब मैंने गॉस लॉ पढ़ाया था तो बाद में फाइनली कोशिश तो मैंने करी थी कि मैं नॉन यूनिफॉर्म के लिए बता सकूं, लेकिन मैंने ज्यादातर फाइनली क्या करा था, यूनिफॉर्म के लिए ही आपको एग्जांपल दिए थे, याद है, जिसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, वैसा ही कुछ हम यहां भी करेंगे, लेकिन ये नहीं कहना है कि एम्पियर सर्क्यूट और लॉ से हम नॉन यूनिफॉर्म करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। ठीक है, अब तरीका क्या है, अब मेरी बात सुनो। मान लो एक करंट एलिमेंट ये है डॉट आई वन, मतलब करंट बाहर की तरफ, आई टू, आई थ्री, आई फोर, ऐसा कुछ। ठीक है, इतनी बात, कुछ बाहर है कुछ अंदर है करंट। ठीक है, कुछ बाहर की तरफ है कुछ अंदर की तरफ है, दिख रहे हैं सबको? अब मान लो हमें इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, सेम जैसे सिस्टम ऑफ चार्ज होता था तो किसी पर्टिकुलर जगह पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होती थी, तो इस जगह पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो मैंने इस जगह को इंक्लूड करते हुए एक लूप बना दिया। क्या बना दिया? लूप इंक्लूडिंग पॉइंट एट विच B वेक्टर इज टू बी फाउंड। ठीक है, एट विच B वेक्टर इज टू बी फाउंड। क्लियर है? क्लियर है मेरी बात? ठीक है, अब मजेदार बात देखो। अब सबसे पहले आपको लूप का एक डायरेक्शन फिक्स करना पड़ेगा, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, आप लूप को क्लॉकवाइज लेना चाहो या एंटी क्लॉकवाइज लेना चाहो, कैसा लेना चाहोगे इस केस में आप बता दो, मैं वैसे ही ले लूंगा। क्लॉकवाइज कह रहे हैं लोग, तो चलो क्लॉकवाइज ले लेते हैं। मैंने लूप को ऐसे लिया क्लॉकवाइज। ठीक है, अब क्या कह रहा है एम्पियर सर्किट लॉ,
क्या कहता है? एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है? लिख लिया इतना, अगर आपने लिख लिया हो बी डॉट डी एल क्लोज, फिर मैं इसको लिख देता हूं, ठीक है। अब लिखो जरा स्टेटमेंट, गगनदीप जिस पॉइंट पे बताना है उस पॉइंट को तो लूप के ऊपर आना चाहिए, अंग्रेजी में यहां लिखा हुआ है। अब अगर ये बात भी नहीं सुन रहा है तो गलत बात है, हर चीज को रिपीट क्यों करवाता है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। अब लिखो जरा, लिखो आप लोग, इट स्टेट्स दैट अभी बता रहा हूं दीप, चिंता ना कर। इट स्टेट्स दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ क्लोज लूप, इट स्टेट्स दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड इनसाइड द लूप, क्लियर? अभी ये स्टेटमेंट है, अभी हम इसको देख लेंगे, ठीक है। सेम स्टेटमेंट कुछ कुछ हमारे पास गॉस लॉ की थी, वहां था सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द क्लोज लूप, क्लोज सरफेस, याद है? वहां क्या था? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द क्लोज सरफेस। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर द क्लोज लूप, क्योंकि सरफेस तो है नहीं, यहां लूप है, तो लाइन इंटीग्रल होगा। अगर सरफेस होता तो क्या होता? सरफेस इंटीग्रल होता। अरे क्लियर है यार? अब एक चीज और, शेप ऑफ लूप कैन बी एनी आर्बिट्रेरी शेप, लूप का शेप कुछ भी हो सकता है, शेप ऑफ लूप कैन बी एनी आर्बिट्रेरी शेप, ठीक है। लूप का शेप कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने कहा था गॉसियन सरफेस का शेप कुछ भी हो सकता है, सेम वे यहां पर ये कहानी है। अरे क्लियर है? ठीक है। अब एक चीज और, इस लूप को हम क्या कहते हैं? जैसे वहां गॉसियन सरफेस कहते थे, इस लूप को हम कहते हैं एम्पीरियन लूप। क्या कहते हैं? एम्पीरियन लूप। जिस भी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी होती है उसको इंक्लूड करके एक क्लोज लूप बनाने को हम एम्पीरियन लूप कहते हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अब आपने लूप को क्लॉकवाइज माना है। कैसा माना है? क्लॉकवाइज, ठीक है। चलो मान लो आपने लूप के ऊपर ये छोटा सा डीएल पकड़ा हुआ है, डीएल वेक्टर। मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे ऐसी है, दिस इज नेट मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले तो दिस इज नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट्स इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड लूप। सेम जैसे गॉस में होता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द गॉसियन सरफेस इज ड्यू टू, क्या कहते हैं, चार्जेस इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड, ठीक है। अब मेरी बात एक मिनट और ध्यान सुनो, दूसरी चीज, आई इनक्लोज क्या है? करंट एलिमेंट्स इनसाइड लूप, इनक्लोज्ड इन लूप, वहां भी ऐसी होता था, जो Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता था, Q क्या होता था? चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द लूप, यस और नो? अब रुक जाओ, अब आप एक चीज देखो यार, अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो इसको तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे B डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट
अब जरा देखो कौन कौन इनक्लोज है, आई वन आई टू आई थ्री आई फोर, ये चारों इनक्लोज हैं या नहीं है, हैं या नहीं जल्दी बताओ। ठीक है, अब एक बात बताओ, आई वन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं देखूं तो वो ऐसे प्रोड्यूस हो रही है लूप के अपोजिट, आई वन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लूप के अपोजिट प्रोड्यूस हो रही कि नहीं हो रही है, चेक करो। आई वन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लूप पे अपोजिट डायरेक्शन में है या नहीं है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में बेटा तो अगर हम सिर्फ आई वन का बी डॉट डीएल लें तो नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि डीएल तो क्लॉकवाइज है और बी एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसीलिए हम आई वन को यहां पर क्या लेंगे माइनस। आई टू का देखो, आई टू का इन द डायरेक्शन ऑफ लूप आएगा तो आई टू को हम क्या लेंगे प्लस, आई थ्री का भी हम प्लस लेंगे क्योंकि वो भी क्लॉकवाइज आ रहा है, एंड माइनस आई फोर, यस ऑर नो, इस तरीके से यूज करेंगे। क्लियर है, क्लियर है सबको? ठीक, अब मिटा दें इसे, मिटा दें भाई। आप एक चीज देखो, अगर मैं आई वन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखूं तो वो जो लूप का डायरेक्शन मैंने लिया उसके क्या आ रहा है, अपोजिट आ रहा है, तो इस वजह से हम आई वन को नेगेटिव लेंगे। आई टू का इन द डायरेक्शन ऑफ लूप आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, इस वजह से पॉजिटिव ले लिया। आई थ्री का भी इन द डायरेक्शन आ रहा तो पॉजिटिव, आई फोर का अपोजिट आ रहा तो नेगेटिव। अब हम क्या करेंगे, जरा हम एक दो क्वेश्चन देखें इस पर। अब क्या कहानी हमारे पास, ये प्लेन है, ठीक है, इसके ऊपर एक करंट कैरिंग वायर ऐसे आई और एक दूसरी करंट कैरिंग वायर ऐसे आई, ये प्लेन है बेटा, मतलब एक प्लेन, मतलब ये मान लो आपके पास ये एक प्लेन है, इस पे करंट कैरिंग वायर एक ऐसे और एक ऐसे, क्लियर है अपनी बात? ठीक, अब मेरी बात सुनो, मैंने इस प्लेन पे एक लूप बनाया, कैसा लूप बनाया, ऐसा लूप बनाया, फाइंड बी डॉट डीएल फॉर द क्लोज लूप, कितना आएगा जल्दी बताओ, बी डॉट डीएल फॉर द क्लोज लूप, जल्दी बताओ बेटा, जीरो आएगा, हर्षित कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है भैया, ये सुनो, देखो आप ऐसे देख लो यार, अगर हम यहां पर देखें तो इस वाले के लिए तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन है, लेकिन इस वाले के लिए देखो जरा नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये नेगेटिव होगा आई और ये पॉजिटिव होगा, तो मैं क्या लिखूंगा इसे, म्यू नॉट माइनस आई पहला वाला प्लस आई पहला वाला, तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो बी डॉट डीएल क्या आ जाएगा, जीरो, यस ऑर नो, यस ऑर नो। अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, डिफरेंट डिफरेंट करंट सिस्टम्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं यूजिंग एम्पियर्स लॉ, ठीक है। अब लिखो जरा, ड्यू टू मैथमेटिकल लिमिटेशन वी शुड ऑलवेज चूज एम्पियर लूप सच दैट, वी शुड ऑलवेज चूज एम्पियर लूप सच दैट डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन एम्पियर लूप, डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन एम्पियर लूप, नहीं सॉरी मैंने एक गलत सा वर्ड यूज कर लिया, मैंने क्या कहा आपसे, ड्यू टू मैथमेटिकल लिमिटेशन वी शुड चूज एम्पियर लूप, ऑलवेज नहीं, ऑलवेज वर्ड गलत है, क्योंकि एम्पियर लूप का कोई भी शेप हो सकता है भाई, अरे क्लियर है, अगर क्लियर है तो यस लिखो, ठीक है,
तो वी शुड चूज एम्पियर लूप सच दैट डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन एम्पियर लूप इज आइदर टेंजेंट और परपेंडिकुलर टू एम्पियर लूप, आइदर टेंजेंट और परपेंडिकुलर टू एम्पियर लूप। मैंने क्या कहा, एम्पियर लूप के ऊपर बी वेक्टर का डायरेक्शन या तो एम्पियर लूप के टेंजेंट हो या उसके परपेंडिकुलर हो, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ऑन एम्पियर लूप, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ऑन एम्पियर लूप, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ऑन एम्पियर लूप शुड बी कॉन्स्टेंट और जीरो, शुड बी कॉन्स्टेंट और जीरो। सेम हमने गॉस लॉ में करा कि नहीं करा, ये सुनो ठीक है। अब हालांकि ये कोई जरूरी नहीं है जो मैं लिखा रहा हूं, ये हम इस वजह से लिखा रहे हैं क्योंकि मैथ्स नहीं आती है, ठीक है। ट्वेल्थ तक हम डाइवर्जेंस और कर्ल नहीं जानते हैं, ठीक है। मैं बता देता हूँ, जैसे हमने एम्पियर्स लॉ लिखा, ट्वेल्थ से आगे जब आप पढ़ोगे तो एम्पियर्स लॉ को आप ऐसे ना लिख के एक और चीज लिखोगे। ये तो हमने ट्वेल्थ में लिखा, आप ऐसे भी लिखोगे, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज, ऐसा लिखोगे, ठीक है। ठीक है, तो अगर आपको डेल क्रॉस बी कर्ल आता है, इसे कर्ल कहते हैं, तो अगर कर्ल आता है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, फिर तो हम एम्पियर लूप के लिए कोई लिमिटेशन नहीं रखेंगे। आप एम्पियर लूप किसी भी शेप का बनाओ, कैसा भी बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर है। लेकिन जब तक कर्ल नहीं आता तब तक आपकी मजबूरी है कि आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसे एम्पियर लूप लेने पड़ेंगे जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लूप के ऊपर या तो कॉन्स्टेंट हो या जीरो हो, और डायरेक्शन ऑफ बी वैक्टर लूप के टेंजेंट हो या परपेंडिकुलर हो, ठीक है। अब सुनो भाई, तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, बी वेक्टर ड्यू टू इनफाइनाइट थिन करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, ठीक है भाई। अब सुनो, अब क्या कहानी है, ये आ गया अपने पास। अब जरा देखो, बना देते हैं बेटा। तो हमने क्या करा, एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर ले ली, आई बाहर इन्फिनिटी अंदर इन्फिनिटी, करंट बाहर की तरफ। अब मुझे सपोज आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, आर डिस्टेंस पे क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड, यस और नो। अब आप आ जाओ, तो मैंने क्या करा, आर डिस्टेंस पे एक एम्पीरियन लूप बनाया। चलो पहले लूप ही बना लेते हैं, सर्कल बनाना आसान होता है। ये हमारे पास करंट कैरिंग वायर है इनफाइनाइट आई, मुझे आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, क्लियर है। अब मैंने कैसा एम्पीरियन लूप लिया, सर्कुलर एम्पीरियन लूप, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, अगर हम बी की बात करें इस जगह पे, तो बी, चलो मैंने लूप भी ऐसा ले लिया एंटी क्लॉकवाइज, अगर मैं बी की बात करूं तो बी वेक्टर इस जगह पे ऐसा आएगा कि नहीं आएगा। हालांकि अब एक चीज देखो, ये सारी बातें गलत है,
गलत क्यों? अगर मुझे बी की डायरेक्शन पहले से ही पता है तो मैंने कुछ निकाला नहीं है, सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ फालतू में, ठीक है। लेकिन हम कर रहे हैं ऐसा, हालांकि मेरे पास तरीका है, विदाउट यूजिंग कर्ल आई कैन फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट करंट कैरिंग वायर फॉर एनी आर्बिट्री शेप एम्पीरियन लूप, ठीक है। तो अभी वो भी करके देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। अब जरा देखो, बी ऐसा हो गया, इसके ऊपर ये छोटा सा क्या हो गया, डीएल। ऐसे अगर यहां देखोगे तो बी सेम मैग्नीट्यूड का होगा, टेंजेंट होगा यहां पे ये डीएल। तो अब मैं एम्पियर्स लॉ लगा देता हूं, हर जगह ऐसा ही है, बी और डीएल के बीच में एंगल जीरो है और बी का मैग्नीट्यूड हर जगह फिक्स है। अब एम्पियर लॉ लगाते हैं, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इन टू आई। अब बी और डीएल के बीच में एंगल जीरो है, तो क्या हो जाएगा, बी डीएल और बी कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड में बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डीएल इज म्यू नॉट आई। अभी डीएल वेक्टर तो नहीं है, डॉट प्रोडक्ट हो गया, तो स्केलर क्वांटिटी है। डीएल 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 सारी लेंथ अगर हम ऐड करें तो इट विल बिकम व्हाट, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, यस ओ नो? सिंपल सी कहानी, क्लियर है भाई? बहुत ही बेकार सा है, कोई फायदा नहीं इसका। अब अगर हम प्रॉपर करना चाहते हैं, अगर मैं इसी को प्रॉपरली करना चाहता बेटा, सपोज, ठीक है, प्रॉपरली भी कर लेते हैं एक बार, देखते हैं फिर बाद में नहीं करेंगे। अब मैं प्रॉपरली करना चाहता हूं, मैंने क्या करा, ऐसा एम्पियर लूप बना दिया। अब अगर ऐसा एम्पियर लूप बनाया बेटा, अब जरा देखो, मुझे बी डॉट डी एल निकालना है, मैंने ये बी लिया, इस जगह पे ऐसा है कुछ, ये डीएल है, ऐसा या नहीं, जल्दी बताओ बेटा, ये सुनो, ठीक है। अब जरा देखो, अब आप एक काम करो, ठीक है, अगेन बेसिक फॉर्मूला तो यही है, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बी डीएल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, करेंगे कि नहीं करेंगे, जल्दी बताइए, यस ओ नो? करेंगे भाई, ठीक है। अब एक काम करना, डीएल कॉस थीटा क्या है बेटा, ये वाली लेंथ आई कि नहीं आई, पहले बता दो मुझे। प्रोजेक्शन अलोंग बी, डीएल कॉस थीटा इज व्हाट, प्रोजेक्शन अलोंग बी, यानी कि आर के परपेंडिकुलर, ठीक है। ये एंगल मैंने डी बीटा, नहीं डी अल्फा मान लिया, क्या मान लिया, डी अल्फा। तो डी अल्फा इज डीएल कॉस थीटा अपॉन आर, मानते हो या नहीं मानते हो, मानते हो या नहीं, ठीक है। तो आई कैन राइट व्हाट, आई कैन राइट डीएल कॉस थीटा एज आर डी अल्फा, लिख सकता हूं या नहीं, डीएल कॉस थीटा एज आर डी अल्फा, लिख देते हैं बेटा, बी आर डी अल्फा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, हाँ या ना? अब एक बात बताओ, मुझे इस जगह पे बी चाहिए था, तो बी इज यूनिक एट दिस प्लेस और नॉट, इस पर्टिकुलर जगह पे बी चाहिए था तो बी यूनिक है या नहीं इस जगह पे, ठीक है, बी यूनिक है। इस जगह का डिस्टेंस आर यूनिक है या नहीं है, फिक्स है, तो बी और आर कॉन्स्टेंट बाहर आ गए, तो क्या आ गया हमारे पास, बी आर इंटीग्रेशन डी अल्फा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब निकम्मो, अगर किसी पॉइंट के अबाउट क्लोज लूप में इंटीग्रेशन हो जाए एंगल का, तो दैट वुड बी 2π, तो बात ही खत्म हो गई। तो बी कम्स आउट टू बी म्यू नॉट आई अपॉन
टू पाई आर, एक्चुअल डेरिवेशन तो ये है, हाँ या ना, एक्चुअल डेरिवेशन यही है, यस और नो? ठीक है, अब आगे बात करते हैं बेटा, अगला अरेंजमेंट ले लेते हैं, अगली कहानी क्या है, अगला क्वेश्चन। बी मैग्नेटिक फील्ड और जल्दी जल्दी ठीक है, चलो अब देखो बेटा, अब हमें क्या बताना है, बी वेक्टर ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग सिलिंड्रिकल शेल, शेल मतलब हॉलो है भाई, अलोंग लेंथ, मतलब मेरी बात सुनो, हमारे पास ये एक सिलेंडर है, ये इसकी एक्सेस है, इनफाइनाइट लेंथ का है, करंट सरफेस पे फ्लो कर रहा है, करंट किस पे फ्लो कर रहा है, सरफेस पे, क्लियर है, करंट सरफेस पे फ्लो कर रहा है। छवि अब रुक जाओ, सवाल को छोड़ दे, जहां पढ़ा रहा हूं वहां ध्यान दे ले, ठीक है, करंट सरफेस पे फ्लो कर रहा है, ठीक है, दैट इज आई, ठीक। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड इस सिलेंडर के अंदर और इस सिलेंडर के बाहर, क्लियर है भाई, सिलेंडर का रेडियस कितना है, आर है, कोई दिक्कत है नहीं। चलो मैं दूसरा डायग्राम बना लेता हूं, इसी का टॉप व्यू, मैंने ऊपर से देखा बेटा, तो ये हमारा सिलेंड्रिकल शेल हो गया, डॉट बना रहा हूं, डॉट का मतलब है बाहर की तरफ है करंट, इन्फिनिटी बाहर, इन्फिनिटी अंदर, लेकिन करंट बाहर की तरफ, रेडियस स्क्वायर है, करंट आई है। अब आपको एक बार अंदर स्मॉल आर दूरी पे बताना है, तो यार यहां पर अगर आप कोई भी लूप बना लो, दिस इज एम्पीरियन लूप, ठीक है, इतनी बात, ये आपने एम्पीरियन लूप बनाया, तो आप एक बार बताओ, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो एज आई इनक्लोज इज जीरो फॉर आर लेस देन कैपिटल आर, यस ऑर नो? तो भैया बी क्या हो जाएगा, डीएल तो जीरो हो नहीं सकता है, तो जीरो कौन होगा, बी होगा, तो बी इज इक्वल टू जीरो इफ आर लेस देन आर, मानते, ठीक है। अब आ जाओ बाहर, मैंने सर्कुलर लूप बना दिया बेटा, अब यहां देखो, दिस इज एम्पीरियन लूप, ऐसे करके बी आएगा, ये हमारा डीएल, ठीक है। अब हम बाहर बाहर बात कर लेते हैं, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई, क्योंकि अंदर सारा करंट इनक्लोज है, दैट इज आई, बी और डीएल के बीच में एंगल जीरो है, बी मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है इस जगह पे, तो बाहर आ जाएगा, तो बी इंटीग्रेशन डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो बी कम्स आउट टू बी म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई स्मॉल आर इफ आर ग्रेटर देन आर, हाँ या ना? अब ग्राफ बना लेते हैं बेटा वेरिएशन का, अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो जरा देखो, दिस इज बी, दिस इज स्मॉल आर, अप टू आर इक्वल टू कैपिटल आर मैग्नेटिक फील्ड वॉज जीरो, इसके बाद अचानक मैग्नेटिक फील्ड आनी शुरू हुई
और वो भी 1/r के हिसाब से घटना शुरू हो गई। यस और नो? यस और नो? चलो इसके बाद अगला खेल करते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं भाई, बाहर वाले पॉइंट के लिए है सिमेट्री। सूर्य जो बात बोल रहा है, सूर्य कह रहा है कि बाहर वाले पॉइंट के लिए सारे सिलेंडर को एक्सिस पे ही मान लेते, ऐसा तो हमने चार्जिंग उसमें इलेक्ट्रोस्टैट में भी करा था अगर याद हो आपको। अगर सिमेट्री है सिलेंड्रिकल तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक और करते हैं भाई। बी ड्यू टू इन्फाइनिट करंट कैरिंग सिलेंडर अलोंग क्रॉस सेक्शन। अब क्या कहानी बेटा, अब ध्यान देना, ये हमारे पास एक इन्फाइनिट सिलेंडर है, ध्यान सुनो। रेडियस आर, करंट इसमें क्रॉस सेक्शन के अलोंग फ्लो कर रहा है ऐसे ऊपर की तरफ, और कैसा इन्फिनिट है, आई करंट फ्लो कर रहा है। यस और नो? यस और नो भाई, जल्दी बताओ। ठीक है, अब मैं एक और काम कह सकता हूं। जे वेक्टर ऊपर की तरफ है इस केस में, और मैग्नीट्यूड में जे कितना, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, और करंट जो है अलोंग क्रॉस सेक्शन है यूनिफॉर्मली, तो जे कांस्टेंट हो गया। अगर आई यूनिफॉर्म है तो जे कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ भाई। ठीक है भाई, अब आ जाओ। अब हम इस सिलेंडर का टॉप व्यू ले लेते हैं। इसका रेडियस आर है, करंट आई बाहर की तरफ, तो जे वेक्टर भी बाहर की तरफ, और जे का मैग्नीट्यूड पता है। सबसे पहले मुझे बताना है मैग्नेटिक फील्ड एट स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो मैंने यहां पर एक एम्पीरियन लूप लपेट दिया, सर्कुलर बना दिया, अब जरा देखो करंट बाहर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, लूप को एंटी क्लॉकवाइज ही ले लिया। अब यहां पर बी वेक्टर ऐसे, ये हमारा डीएल, इफ आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर, ये कहानी आएगी कि नहीं आएगी, हाँ या ना, जल्दी बता दो यार। अब b बाहर इंटीग्रेशन dl इज इक्वल टू म्यू नॉट, i इनक्लोज कितना, j इंटू पाई आर स्क्वायर। यह सुनो, j इंटू पाई आर स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ। आएगा, बिल्कुल सही बात है। चलो dl क्या हो जाएगा, 2 पाई स्मॉल r, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बताओ। आ रहा है भाई, हाँ या ना, जल्दी बताओ। ठीक है, ये आ गया। अब एक और चीज, इसी को मैं आई के टर्म्स में लिखता हूं, जे कैन बी रिटन एज आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर अपॉन टू पाई आर स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं। एक और चीज बेटा, जरा ध्यान से देखना, ये हमारा आर वेक्टर है, और डॉट करके क्या हमारा जे वेक्टर है, और बी ऐसे आया था। ठीक है, मैं इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो आई कैन राइट इट एज अंदर वाले पॉइंट के लिए, जरा देखो, जे बाहर है
आर ऐसा है तो जे क्रॉस आर देखो जरा बी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस और नो, यस और नो जल्दी बताओ। तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो अंदर वाले पॉइंट के लिए कहानी हो गई। अब बाहर वाले पे आते हैं बेटा, बाहर वाले पॉइंट पे आते हैं बेटा। तो जरा देखो लूप ऐसा ले लिया, बी ऐसे, ये डीएल और ये आर, ठीक है। अब अगेन बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज, और आई इनक्लोज क्या हो जाएगा, पूरा आई हो जाएगा इफ आर ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर। यस और नो, यस और नो जल्दी बताओ भाई, बोलो बेटा। तो भाई सीधे सीधे बी किसके बराबर हो गया, बी कम्स आउट टू बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इफ आर ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर। बन गया कि नहीं बन गया, जल्दी बताओ। अब हम ग्राफ बना लें इनकी मैग्नेटिक फील्ड्स का, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर लीनियरली वेरी कर रही है कैसे, स्मॉल आर का फंक्शन, और बाहर 1/r से इनवर्स ऑफ रेडियस वेरी कर रही है। तो बना लेते हैं ग्राफ। मतलब सरफेस पे मैक्सिमम है, यस और नो, यस और नो भाई जल्दी बताओ। ठीक है, ये कहानी आ गई हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर कैरिंग करंट यूनिफॉर्मली अलोंग द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब आपको जे फंक्शन दे देगा स्मॉल आर का, तब भी आपको निकालना पड़ेगा इसी तरीके से। क्लियर है, क्लियर है भाई। चलो एक काम करते हैं भाई, अब यहीं रोकेंगे आज, ठीक है।